नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको अपने चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं और मेरे दो तीन दोस्त हम लोग जा रहे थे गुड़गांव का एक बहुत ही सुंदर सा जगह है जिसका नाइट लाइफ बहुत ही फेमस है अपने सराउंडिंग में, यानी कि दिल्ली NCR में बहुत फेमस है इसका नाइट लाइफ, जिसको बोलते हैं साइबर हब। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे उसका नाइट लाइफ देखने के लिए कि वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ का माहौल कैसा रहता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आप लोग पब जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर ऐसे महंगे रेस्टोरेंट्स जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्को बार ये सब जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है, आपके नाइट लाइफ के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए यहाँ का माहौल देखने के लिए, घूमने के लिए भी आप लोग आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा रहता है ये जगह, बहुत ही सुंदर सा सजावट है ये जगह का। अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे बोर नहीं होंगे, यहाँ पे बैठने वाले जगह भी बहुत सारे हैं। आके यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लाइट से भरा है ये जगह, रात में आने से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो ये जगह एक मस्ट विजिट प्लेस है। आप लोग ज़रूर यहाँ पर एक बार आइए और ये जगह को विज़िट कीजिए, देखिए, लेकिन नाइट में आइए, यानी कि शाम के वक्त आइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का जगह। यही बात कर रहे थे कि यहाँ के बहुत गरीबी महसूस हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आके आप लोग बैठ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स भी हैं, मेरे दोस्त लोग बैठे हैं, आइए बात करते हैं। तो आप तो गुड़गांव में इतने दिन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए है यहाँ पे साइबर हब में? तो कॉर्पोरेट वाले हैं हमारे लिए तो है कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पब्स। और ये पीछे एरिया है, इसका क्या है? यहाँ कभी कभार हफ्ते दो हफ्ते में एक बार मूवीज लग जाती है और कुछ कलाकार आते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं अपनी। अच्छा, वैसे यहाँ पे सैटरडेज और फ्राइडेज के लिए सही है, पार्टी वार्टी के लिए, पब वब के लिए, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? पार्टी वार्टी के लिए तो बढ़िया ही है। अच्छा, और एक अपने दोस्त हैं अभिषेक जी, हेलो, जो कि अभी दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको साइबर हब? अनफिल्टर बताइए कैसा लग रहा है। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हाँ, कॉर्पोरेट वाले यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, पब है, ये सारा चीज है, खाने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं है, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा। हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं। और पेट्रोल के भाव भी कम गया। हाँ भैया है अपने ओडिशा से आ रहे हैं, अभी लंदन जा रहे हैं। तो भैया क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? भाई लंदन जैसा ही फील हो रहा है। लंदन जैसा फील हो रहा है। चलिए बढ़िया, आपसे आगे मिलते हैं। ये है यहाँ का एक और एक अट्रैक्शन, यहाँ पे साइबर हब सोशल है, सोशल यहाँ पे है। तो आपको हौज खास में, हौज का नहीं, नहीं, हाँ हौज खास में जैसे सोशल है ना, उसका थीम से ये पूरा डिफरेंट है, ओल्ड स्कूल टाइप थीम है, आप देख सकते हैं। अभिषेक जी, इसको देख के आपको गांव का फील आ रहा है? आ रहा है, लेकिन क्या करें, खाना तो नहीं खा सकते ना। हाँ यहाँ पे ना, क्यों, महंगाई ज्यादा है। हाँ ये तो सही बात है, बाकी जो भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे महंगाई बहुत है। अगर आप बजट ज्यादा है, थोड़ा सा तगड़ा है, तो यहाँ पे जरूर आ सकते हैं आप लोग। अपने भाई लोग आगे से चलते हुए आ रहे हैं। अरे भैया जी कहाँ खो गए थे यार आप लोग? भीड़ में खो गए थे। हाँ? भीड़ में खो गए थे। क्यों, ज्यादा भीड़ है ना। ये देखिए वो खोने वाला इंसान, भैया रास्ता पता नहीं था क्या आपको?
रास्ता पता नहीं था क्या आपको? रास्ता पता था, भीड़ ज्यादा है। कहाँ भीड़ है भैया आपको? कहाँ भीड़ दिख रही है आपको यहाँ पे? पीछे भीड़ था, आगे सन्नाटा है। अच्छा, आगे सन्नाटा है। तो कहीं बैठे जाके या फिर खाना पीना खा लेते हैं आगे चल के? खाना तो नहीं खाया जाएगा। क्या लाए हैं? एक पैकेट खाना तो नहीं खाया जाएगा, एक पैकेट कुरकुरे लाए हैं। वो बैठ के खाएंगे अभी आगे। तो हम लोग यहाँ पे आए थे घूमने खाने के लिए, खाने में तो कुछ मिला नहीं। भाई अपने कुरकुरे लाए हैं, खा लिए भैया कुरकुरे? खत्म हो गया, चाहिए था क्या? हाँ चाहिए था। भैया लंदन कैसा लगा यहाँ पर? लंदन कुछ खाना पीना मिला? बहुत महंगा। आप बताइए और क्या क्या चीज ऑडियंस को देखना चाहिए यहाँ पे? अरे शांत रह गए भाई। I am speechless. वैसे आप लोग आ सकते हैं, लाइट्स दे सकते हैं, अगर पैसा बजट ज़्यादा है तो यहाँ पे आके खाना पीना भी खा सकते हैं, और भी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आएंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो साइबर हब, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे खाने की चीज़ें ही मिल जाएंगे, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेके आना। पॉप अप भी है। पॉप अप भी आ सकते हैं। क्या मिलेगा वहाँ पे? ये सब भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी देखने लायक थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो डू विजिट। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आज का वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते थे? नहीं कुछ नहीं, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब।